हम एक से सुनाए जा रहे हैं, जिन्हें खाना है खाए जा रहे हैं, हमें पत्ते खिलाएंगे ये एक दिन, तभी पौधे लगाए जा रहे हैं। सूरत हाल तो है यही बता रही, क्या रहे हैं वासी चौधरी। देखती हैं को सुनते कौन और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ब्रिजित सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। टाइटैनिक के जहाज के ड्राइवर लग रहे हैं। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। लेकिन टाइटैनिक तो याद है कि वासे भाई टाइटैनिक फिल्म वेरे नाल वेपर रखिया कि पानी साढ़े घर ना आ जाए। पानी बहुत ठंडा है यार। आ गए अपने दोस्तों नु कही जाना टाइटैनिक फिल्म साडे पिंड छप्पड़ च बनी जे सारी। और ऐसा बंदा अपने दोस्तों पे प्रेशर डालने के लिए ये भी कह देता है टाइटैनिक दी जिहड़ी हीरोइन नहीं पहले मेरी मंगेतर सी। इस तरह के बंदे एम ही बंद कह रहे होंगे ने टाइटैनिक फिल्म ना मौला जट की कापी है। बीजे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब मलिक नदीम बास बारा। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जिन्होंने पढ़ा था बिजनेस लेकिन अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा फरियाल खान। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों मेहमान बड़े मेरे फेवरेट मेहमान हैं। और शेर भी मैं बड़े आउटस्टैंडिंग लाया हूँ। अच्छा जी, इरशाद। बादल जो छाए थे वो बारिश बरसा गए हैं। बादल जो छाए थे वो बारिश बरसा गए हैं। पठूरे जो हमने घर में बनाए थे वो सारे मेहमान खा गए हैं। और कुमलाए हुए चेहरे मुस्कुरा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में फरियाल जी और नदीम बारा भाई आ गए। दिल ही दिल विच कुड़िया होवेगा जदों मेरे नाल कोई जुड़िया होवेगा। वो ते अपनी गल दा बड़ा ही पक्का सी, अगला पासा वेख के मुड़िया होवेगा। क्या बात। जो आफत आने वाली है उससे डर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह। इस मुश्किल वक्त में हम आहें भर रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है आपने मलिक साहब, अब अगले इलेक्शन में जीतने के दावे क्यों कर रहे हैं? सही कहा, चाहे बच गए हैं यारा, लेकिन क्या हालात हैं नदीम बास पर? कैसे हैं आप? आज तो महफिल बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, सब शायर ही बन गए। सब शायर नहीं, आप लोगों ने बना दी है। बीच में हम सादा को आदमी बैठे हुए, आप सारे शायरी कर रहे हैं, हम क्या करें, हमें शेर नहीं आते। नहीं, आपको तो मुझे पता है शेर नहीं आते, आप बल्ले ही करें। डेरे से शेर रखे ने, हमने बल्ला रखा हुआ। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास। हालात कैसे चल रहे हैं? दिन ब दिन बेहतरी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा ही जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब रुक ही नहीं रहे, बिल्कुल जा रहे हैं बेहतरी की तरफ। ये देखें वर्क साहब, ऐसे कभी सोचा था आपने कैसा हो जाएगा? हमने यही तो सोचा था कि हमने तब्दीली लानी है। तुसी ऐ सोचिया सी? हाँ, और बेहतरी आई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी नजर नहीं आ रही। बेहतरी, ओए होए। और साथ ही पहला गिला आ गया है जो कि हमारी तरफ से नहीं था, जहाँ पे आपने कहा था कि कॉमन लोग बैठे हुए हैं वहाँ से आवाज आई है कि क्या हुआ मैडम आप बताएं। मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती पीटीआई को, पहली बात ये। अच्छा, मैं नून लीग के साथ हूँ। आप नून लीग के साथ? मतलब मुझे इमरान खान पसंद ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्या किया क्या उसने? अच्छा, क्या कर क्या रहा है वो?
ये असल में अभी बच्ची है, इसे क्या पता है, इनके वाले साहब पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। हाँ, सपोर्ट करते हैं। एक मिनट, आपके वाले साहब पीटीआई को सपोर्ट हाँ, करते हैं? उनका सपोर्ट करते ये हैं। बात आपको कैसे पता? समझदार लोग जो है वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं जी। भैया बच्ची ना अभी इसको नहीं समझ नहीं है। एक मिनट रजीम साहब, आप क्या जानते हैं फरियाल को पहले? नहीं, मैंने पहली दफा मिला। आप क्या पहली दफा ही खातून को मिलके ये जान लेते हैं कि उनके वाले साहब क्या सोच रहे हैं? बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? आपको कहाँ से मिलती है जब सबकी बातें करते हैं आप? नहीं, मुझे तो सियासतदानों की मिलती है, फनकारों की तो मिलती ही नहीं है। नहीं, तो नहीं, मगर ये फनकारों की आपको कहाँ से मिली है? ये तो बताइए, इनके वालिद साहब को क्या आप जानते हैं? हमें भी नजर रखनी चाहिए बस वो जो आप ये किन किन चीजों पर नजर रख रहे हैं? हम आप हर चीज पे नजर रखते हैं। सबको कहते हैं घबराना नहीं है। वो तो आप कहते ही कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता था कि इनके वालिद साहब ने जो है नून लीग को वोट नहीं डाला, पीटीआई को डाला है? ये मुझे बताएं। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। कैसे पता है आपको? उन्होंने बताया आपको? शायद उन्होंने बता दिया। आपने बताया फरियाल कैसा? आपने इनको कब बताया? नीचे मेकअप रूम में बताया। अच्छा, आप पहले ही बातचीत शुरू कर दी भी थी? I was in makeup room, तो वहां बैठे भी थे। इन्होंने मुझे अच्छा, एक मिनट पहले तो यहाँ रुक जाएं। आप मेकअप रूम में क्या कर रहे हैं? ये तो बताया ना, देख भाई आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? असल में वहाँ जी सर बाल बनाने के लिए गया था। ओह अच्छा, तो ये बाल बने हुए हैं? हाय हाय, अच्छा ये शौक भी है, यानी कि मैं भी खुश हो रहा था कि नेचुरल हेयर स्टाइल। इधर बाल है ही नहीं, इधर जो है सर मेकअप रूम जो तुसी सुर्खी दा पूछो, तुसी वाला साहब दा पूछ रहे जा। तो अच्छा, वहाँ पे आपकी बातचीत शुरू होगी फरियाल, और आपने इनको बताया? मैंने इनको बताया था कि मेरे से फादर सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, लेकिन हम में से कोई नहीं। आपने उस पे क्या कहा कि इन्होंने जब कहा कि नहीं नहीं वो आप भी करेंगी सपोर्ट? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही बस क्लियर कर दिया कि मैं बिल्कुल पीटीआई से इंप्रेस नहीं हूं। तो उसके बाद इनका क्या जवाब? वैसे साथ इन्होंने ये भी कहा था कि नून लीग को भी मैं अच्छा नहीं समझती। ये क्या मतलब? किया किसी ने नहीं ना आज तक पाकिस्तान के लिए कुछ। अच्छा, किसी ने क्या किया है? कुछ कर लिया नहीं किया ना, नहीं तो कोई भी नहीं अच्छा हुआ। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर नून लीग को आप क्यों कह रही थी? क्योंकि उसने कुछ तो किया ना, चले ऑरेंज ट्रेन बनाई है, कुछ तो कर रहा। बाकी सब ने कुछ नहीं किया, लेकिन नून लीग ने कुछ कुछ किया। कुछ तो किया है ना, पीटीआई ने क्या किया? आप देखें कि क्या क्या नहीं किया। हर चीज महंगी की थी, और की आवाम को फौरी रिलीफ दिया कोरोना में। हमने हेल्थ कार्ड बनाए हैं, हमने हाउसिंग पे जो लोगों को सस्ते घर जो वो मुहैया कर रहे हैं, बैंक से कर्ज आसान शराइत पे मिल रहा है लोगों को, घर गहरी नहीं मिल रहा। और उसके अलावा आप देखें यकसा तालीमी निज़ाम जो है वो यकसा स्कूल बांध रहे हैं, वो भी हम लेके आए हैं। नहीं, यकसा तालीमी निज़ाम इस वक्त हो रहे हैं। इस तरह बेशुमार काम ऐसे हैं जो पहले बातों की हद तक थे, अब देखो जंगलात लग रहे हैं। ये रावी क्या फायदा जंगलात? नदीम भाई एक मिनट आप यहाँ पर रुकिए, आप बताएं किन चीज़ों का फायदा? खवातीन की सिक्योरिटी के लिए पीटीआई ने क्या किया? सिक्योरिटी के ऊपर आप एड्रेस करें जो उनके कंसर्न। ये बात ठीक कह रही हैं कि हमें अपनी जो नौजवान लोग हैं या हमें घर में अपनी जो तरबियत ना वो करने की ज़रूरत है। कि ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि गलत बात है कि एक औरत जो है वो जब घर से निकलती है उसे अमान होना चाहिए, उसे हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं एक दफ़ा इंग्लैंड में था, ऑक्सफोर्ड में, उधर रात का तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। तो उस घर के साथ ही ना एक बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ मेरा कज़न था, मैं था, एक दोस्त था, तीनों हम निकले हैं। तो एक लड़की साइकिल पे जंगल के अंदर से आ रही थी, और मैंने उसे कहा यार रात का इतना टाइम है ये लड़की आ रही है। उसने कहा कि यहाँ रात हो दिन हो जब भी हर एक को ये पता है कि कोई किसी की जरूरत नहीं है किसी को हाल का। मैं समझता हूँ कि हम इस तरह की मिसालें तो देते रहे हैं, हम देते रहे ना, खान साहब भी देते रहे हैं, लेकिन हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की अब ज़रूरत है। अब वक्त आ गया है कि हमने औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हमने हर सूरत पे औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो बेहतर से बेहतर। अगर एक 3-tier आई थिंक बड़ी ज़रूरी एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर नॉट जस्ट हुकूमत चाहे इनकी हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, सिक्योरिटी और कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत टाइट होना चाहिए पूरा जो एक सेटअप होता है उसका। दूसरा ये कि जब उनको पकड़ लें तो उसके बाद सजा का भी एक वक्त तयन होना चाहिए, ये नहीं कि सदियां चलता रहे मामला। तो ये भी सर एक टेयर है उसके अंदर। और तीसरा टेयर है जिसका आपने जिक्र किया होता क्या यहाँ पे, कि एक्चुअली जब हुकूमत से बात करते हैं तो हुकूमत वाले जिस तरह अभी रिसेंट टाइम्स हमने देखा कि वो तरबियत पर फेंक देते हैं, तरबियत वालों की तरफ तो खैर बात जाती नहीं है। मगर मेरे ख्याल से एक तो ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एक इशू है, दूसरा ये कि उसके बाद सजा का जल्दी मिलना, अदल इंसाफ का जल्दी मिलना एक सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक सजा एक नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। नदीम भाई ठीक है, आपने खुद इंग्लैंड की एग्जाम्पल दिया, कहीं की भी दुनिया में जहाँ पर ये हो,
तो वो इसलिए डरते हैं लोग क्योंकि उन्हें पता है कि सजा मिल जानी। अब मेरी बहन वो बड़ी जरूरी है, वो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे घराने हैं। अब ये जो पिछले दिनों 14 अगस्त के ऊपर जो वाकया हुआ है, मेरा सवाल एक अपनी सोसाइटी से भी है, छोड़ दें ये हुकूमत वाले जो हैं, छोड़ दें ये अभी दूसरे वाले, ये अब एक टोटल घरों की बात है। 14 अगस्त को सब लड़के प्राइमरली निकलते हैं बाहर मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों के अंदर, क्या उनके माँ बाप को नहीं पता कि ये 14 अगस्त को, 31 दिसंबर की रात को, चांद रातों को या ईदों के ऊपर ये क्यों निकल रहे हैं? एक लड़का 20 साल का जो कि नहीं चला सकता एक 20-30 लाख रुपए की गाड़ी, वो जब अब्बू से गाड़ी लेके जाता है तो अब्बू को क्या ये इल्म नहीं है कि रात के 11 बजे जो निकला है जिसमें वो ये कह देते हैं कि दोस्तों के साथ इंजॉय करने जा रहे हैं, तो कभी अब्बा इस चीज पर जरा बैठ के सोचे कि ये इंजॉय क्या करेंगे जब वो चार लड़के गाड़ी से शीशे खोल के बाहर निकले होंगे या वो सड़क के ऊपर गाड़ी स्लो करके ट्रैफिक जैम कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान के हर शहर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये उन घर वालों से सवाल है कि आपने पूछना है कि बेटे ये 13 अगस्त की रात को या 14 अगस्त की शाम को या 31 दिसंबर की रात जो खुशी मनाने जा रहे हैं तो ये खुशी कैसे मनाएंगे? ये एक बड़ा मेजर सवाल है। इसके ऊपर इतनी बहस हुई है रिसेंट टाइम में, हुकूमत को पीछे पड़ गए, वो एनजीओस के पीछे हो गए, हर जगह डिबेट, ट्विटर फलां ये वो, हर जगह एक हो रही है बहस, मगर इस सवाल को भी तो कोई एड्रेस करे ना कि आपको नहीं पता कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के ऊपर। ये बड़ा जरूरी है समझना इस चीज को, और ये तमाम तर जिम्मेदारी घर के बड़ों पे जाती है, वो चाहे डिफेंस में रहते हैं, वो चाहे किसी मोहल्ले में रहते हैं, वो पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर रहते हैं, आपको पता है कि आपका बच्चा इन तारीखों के ऊपर कहाँ जा रहा है और उसने क्या करना है जाकर। अरे यार कोई खुद एक तहजीब होती है, वो बताए तो सही अपने बच्चों के, बेटे ये नहीं करनी, तुम जाके अगर किसी सड़क के ऊपर माल रोड पे, शाहरा फैसल के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाली जगहों पे, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जाके सड़कों पे गाड़ियां स्लो कर रहे हो तो भैया वो लोग बड़ा तो होगा ना। तो इस चीज को मेरे ख्याल से हमें भी एड्रेस करना चाहिए सिर्फ, और मोटरसाइकिल इतनी तेज चलाते जिवें चांते जा रहे हैं। उसके बाद ये जैसा आपने कहा कि साइलेंसर उतार देना और ये चीजें कर लेना, तब ये तमाम वालदैन को पता होती है, बड़ी मुश्किल से वालदैन बच्चों को पालते हैं, वन व्हीलिंग में जब चलते हैं तो वो जब हादसे होते हैं, मौत हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ वो माँ बाप के लिए बहुत ही तकलीफ दे वक्त होता है। भी चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वो इन दिनों में खास नजर रख के सर उनको, और कौन सी मुश्किल है गिन के साल के 5 से 6 दिन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है ये माहौल, तो मतलब 5-6 दिन के लिए अपना ही बच्चा अगर आपसे नहीं स्क्रूटनाइज हो रहा तो कभी पूछे तो सही ना। बहुत अच्छा, शहर में वो बनाने लगे लंगर खाने, हम समझते थे रोजगार दिया जाएगा, काम घर के लिए जाएंगे जिसमें सारा दिन, 6 दिनों बाद वो इतवार दिया जाएगा। हाय हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फरियाल आपको कन्विंस हुई उनकी बातों से या नहीं, उन्होंने इतनी चीजें गिनवाई हैं आपको? नहीं फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, क्या गिनवाया क्या? आप वैसे चाह क्या रही हैं? मैं चाह रही हूँ कि जैसे बाहर होता है ना, जैसे हमें कोई तंग नहीं करता, वहाँ जाओ तो आप बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। ये तो सिक्योरिटी का इशू हो गया, उसके अलावा बताएं। चीजें जरा सस्ती हो जाए, बहुत महंगाई हो गई, चीजें सस्ती हो जाए, सारी ग्रोसरी वगैरह, 2 किलो आटा लाओ नाल मेकअप फ्री मिले, इस तरह का कोई इसकी बात नहीं हो रही, वो कह रही सस्ती हो जाए। अच्छा सस्ती हो जाए ये हो जाए, दूसरा और बताएं। और तो बस यही, और बस दो ही चीजें थी जिनका मसला है, मसला और तो सिर्फ इस वक्त महंगाई हमारे लिए चैलेंज है, ये सिक्योरिटी का इशू साथ जो कह रही है, बिल्कुल ये भी है, ये दोनों चीजें हम दुरुस्त कर गए ना तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे अक्सरियत के साथ। ये भी बदकिस्मती हमारे लिए कि हमने पुलिस का कहा था कि हमने इसमें रिफॉर्म्स लानी है, इनको बेहतर करना है, लेकिन वो अभी तक मैं समझता हूँ हम ये टारगेट अभी पूरा नहीं कर सकते। देखिए वो मान रहे हैं कि ये दो चीजें हैं तो ये हम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो जब कर लेंगे तो फिर वोट भी आ जाएगा। कह रहे हैं कि पीटीआई मुझे अच्छी नहीं लगती, बला बला ये वो। हाँ। अगर आपके वालदैन कहें कि आपका रिश्ता पीटीआई की तरफ करना है, मैं कभी ना करूं, इनकार, बिल्कुल इनकार, वालदैन को भी। लेकिन अगर वो ये दो तब्दीलियां ले आए जो आप कह रहे हैं, अगर वही ना देखेंगे ना, अगर आगे तो बस सही है, फिर थोड़ा बहुत वोट कर देंगे, उन्हीं दिन मंगनी तक रहो उन्होंने रिश्ता तो बिल्कुल नहीं, नहीं क्या कोई मुझे पसंद नहीं है पॉलिटिक्स, पहली बात नहीं पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई बेचारा वोटर है पीटीआई को तो उसका क्या कसूर है कि वोट डालते हैं? वोटर तो मेरे अबू भी है ना, मगर अबू ने कहा था वोट डालना है पीटीआई को, अबू यूके में थे मेरे, हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग गए पीटीआई को डालने लेकिन डाल दिया हमने नून लीग को। अच्छा जैसे मैं नून लीग का हूँ तो इसमें हैरानगी कौन सी? चलो आपने कहा था कि मैं पीटीआई का हूं, दोनों गल्ला झूठ नहीं दियो। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपका फैन भी हूं तो आप ही सिंगल हैं, मैं भी सिंगल हूं, कि मैं मिसाल दे रहा हूं कैसा असल शख्स होना चाहिए जिंदगी में, जिंदगी में एक आइडियल होता ना शख्स के, प्यारा सा सामने बैठा हो
ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਾਓ ਵੈਸੇ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਮਾਯੂੰ ਸਹੀ ਜੈਸਾ ਹਮਾਯੂੰ ਸਹੀ ਜੈਸਾ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਹਮਾਯੂੰ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਚੌਰੀ ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾਈਆਂ ਸੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਉਹਨੇ पूछ ले उन्होंने कह दिया आप तो है ही शक्ल भी मिलती है उन्होंने तो देखे मरवतन है ना पे होस्ट है तो वो करके बंदा सारे साइड पे कर देते हैं मगर उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हुमायूं सईद जैसी क्या अच्छा लगता है हमें पर्सनालिटी होनी चाहिए क्या अच्छा लगता है जो पूछ रहे हैं हुमायूं सईद में आपको उनकी पर्सनालिटी तो अच्छी है पर्सनालिटी उनकी उनकी जो साइड कट्स हैं फेस है ओए हो साइड कट्स है हाइट है उनकी छोड़ो अच्छा साइड कट्स हां तो साइड कट्स है वैसे मुझे बिलाल अब्बास भी पसंद है बिलाल अब्बास बहुत प्यारा है वो भी बहुत प्यारा है ठीक है चाय बहुत है वो बहुत चाय है हुमायूं सईद चाय तो नहीं है मुझे पता मैं कभी मिली नहीं उनसे आपको बिलाल अब्बास का कैसे पता है कि वो बहुत शाय है उसका इंटरव्यू देखा था ना मैंने तो आपको हुमायूं सईद का इंटरव्यू देखे वो बहुत शाय नहीं है ना उस तरह नहीं नहीं वो बहुत शाय है वो भी नहीं बोलते वैसे आपने कहा कि हुमायूं सईद और बिलाल अब्बास ये दोनों हैं इस तरह का अगर कोई मॉड्यूल हो आपका तो खुद बता देना मुझे पूरे खानदान से नहीं साडे ये अपने खानदान से बाहर भी की देखे खानदान से बाहर निकले ना चलो किधर देखते हैं फिर मैं आपसे बात कर लूं वैसे हल्की हल्की इसमें भी टिंज आती है बिलाल अब्बास वाली नहीं सॉरी यार मैंने मैंने कोशिश की थी लेकिन अच्छा हम दो तीन साल जाना साड़ी भाई तो तू भी बुरा लगने लग गया मगर खैर अपना आपको तो खत्म हो चुका है मगर कोई आपके ख्याल में ऑन अब्बास तक तो पहुंचे बिलाल अब्बास तो छोड़े बाकी भी मैनेज करते हैं कुछ अच्छे हैं मैंने कब कहा ये देखिए ये भी कितना शाये हो रहा है बिलाल अब्बास की तरह हां इसी किस्म का शाये मैनेज कर रहे हैं वैसे आपकी नजर में है कोई सर हुमायूं सईद टाइप का नहीं पीटीआई में ढूंढने के मिलने नहीं चाहिए बात सुने वो असेंबली जाते हैं उसमें नून लीग के बंदे भी हैं वहां आपको बिल्कुल ही मतलब पीटीआई का लेकिन वो है जो पीटीआई के ना अरे वो चाहे वो फिर भी देखेंगे पीटीआई में से ही कैन ऑलवेज नो पीपल फ्रॉम नून लीग सो यू नेवर नो कि शायद उनके पास कोई हो ऐसे मॉडल मेबी सर कोई बताएं कोई पढ़ा हुआ मॉडल नहीं नहीं ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है मुझे तजुर्बा नहीं है इसलिए मैं क्यों आपको क्या हुमायूं सईद ढूंढने का तजुर्बा नहीं है ढूंढने का कोई भी रिश्ता करवाने का तजुर्बा नहीं है अच्छा ओए ओए ये तो बड़ा वो देखे कितनी मासूमियत से हां जी अगर हुमायूं सईद साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली फिर आप क्या ओए ये भी एक और वैसे एक अच्छा सवाल है वो कभी नहीं आएंगे पीटीआई मुझे लगता है ऐसा लगता है वोट तो डाल सकते हैं ना क्या पता वो पीटीआई को वोट डालते हैं क्या पता वो नून लीग के वोट डालते हैं और जाते हो पीटीआई के पास सर तानू किने क्या इन्हां दे वोट ने सिर्फ पीटीआई जीत लिया वो पीटीआई जीतने का तो सवाल ही नहीं था भाई सवाल तो आपने जो शुरू किया था वो था अब वो तो खत्म हो गया हुमायूं सईद साहब वो तो आपका खत्म हुआ है ना सारी उम्मीदें के पूरा उतर गए हुमायूं सईद साहब देखो खैर उनकी जो भी बात है वैसे आपको एक्टिंग का शौक है नहीं नहीं है बिल्कुल बचपन में था भी नहीं है कभी नहीं सिर्फ मॉडलिंग तक ही आपका बचपन में था 69 साल दे हो गए नहीं जब मैं बहुत छोटी थी ना 8-9 साल तो उसके बाद क्या हुआ एक्टिंग मुझे लगता है मेरे से नहीं हो सकती बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग करना हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग बड़े अच्छे एक्टिंग करते हो लेकिन सर तुसी 2 महीने असेंबली जाओ तुसी तानू जिनी एक्टिंग आ जाएगी तानू पता ही है वैसे तो आ जाओ जरा बार साहब ऐसे ऐसी बात है कि आप लोग एक्टिंग कर रहे हो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हल्के के मसाइल हल करने पड़ते हैं हल्के के लिए बात करनी पड़ती है एक्टिंग जिनी करनी पड़ती है वहां तो बस मेहनत का काम तो सब हल्के हल्के करते हैं आप ये बिल्कुल स्पीड से करते हैं स्पीड से करते हैं हल्के के लिए काम पूरी सरदर से करते हैं वैसे आपको तो एक्टिंग का कभी शौक नहीं रहा होगा नहीं है मुझे कभी देखने दुखने का शौक रहा फिल्में वगैरह नहीं वो भी ज्यादा नहीं कभी बस ये तो जो तकरीर से वादे कर रहे होते हैं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा नाल बंदे गल्लां कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं How are you? You know, I'm really very happy today. How so? Last night when I was sleeping, rain is start frequently. Inni barish paye, inni barish paye. Mere do mein kamre full ho gaye ne. Mere ko rakhne ki jagah hi nahi. Wow. Kya rakhne ki jagah nahi? Barish. Barish full ho gaye mere do mein kamre. Pani se. Pani se. Ote mainu nahi si pata lagna. Acha. Mere ko na wo phook wala bed hai na. बड़े लोकी डुब गए ने मैं एक बंदे को राती चीनी पत्ती लेके गया मैंने कहना खुले नहीं है 300 सुबह दे दूंगा वो भी डुब गए ने लोगों की हेल्प करूं
ਅਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 3000 ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਬੋਟ 11000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਤੁਮ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਆਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੋ ਫਾਲਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਪੇ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬੁਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕੁਝ 7000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਅਬ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਂਕ ਰੱਖ ਦਿਏ ਗਏ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਟੈਂਕੋ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਥਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਚੌਕ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਥਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਬਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਆਤਾ ਥਾ ਵਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟੈਂਕੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕਹੀਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਬਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੋਜੇ ਮੋਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇਣਾ ਆਈ ਲਵ ਪੀਟੀਆਈ ਆਈ ਲਵ ਮਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਗਾਇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਯੈਸ ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ੀਨਾ ਖਾਨ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ Shah Mahmood Qureshi. Shah Mahmood Qureshi. Yes, I meet two times Shah Mahmood Qureshi. He is a good guy. ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਭਰਾਇਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਜੇਬ ਚ 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਾਰ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤਾਰੀਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਤਨਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਓਏ ਹੋਏ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਦੀ ਫਿਲਮ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਕਦਮ ਪੱਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵਜੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਖੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਚ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਏਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਕੇ ਵਜ਼ੀਰੋਂ ਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਆ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਵੋ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਵੋ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਤੇ ਜੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸੇ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਨਕੀ ਸਰਜ਼ਨਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰੇਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚ ਵੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਔਰ ਹਮਾਇਓ ਸਈਦ ਮੇ ਫਰਕ ਹੈ
मतलब मैं कह जी यही की तुसी कह रहे हो हाँ। कहने अली जफर ने एक फिल्म बनाई है हाँ। उसमें खुद ही हीरो आया हाँ। और हुमायूं सईद ने कई फिल्में बनाई हैं हाँ। उसमें हर फिल्म के अंदर चार चार बंदे अपने साथ खड़ाए हैं। मैं बंदों को खड़ाता हूँ, मैं अकेला नहीं खेलता। लेकिन काम की खराब होया, ओनम ते मैं वापस ले आया। वो जिंदे कोल साइकिल खोया सी ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਵੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? इमरान खान साहब की वजह तो, क्योंकि वोट तो लीडर नु पैंदा है ना। आखना तो बस घर के दो वोट ने जो एक पे है लेकिन अल्लाह दे हुक्म ने तीन साल जो क्या करके विखाया ने। इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, नहीं होया। असि जो क्या सी होया ते लोगों ने साडी गल्लां ते यकीन कीता ते लोगों सानू वोट जी सर। ते माशाल्लाह सर ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਪਬਲਿਕ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਫਰਿਆਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਸ਼ੀਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸ ਲਈ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 87ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਲ मेरे भाई है, मैं रोज मिलन जाया करांगा सर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। तो नदीम साहब ये बताइए, मुझे आपने कोई तीन नाम बताने हैं नून लीग या पीपल्स पार्टी में से जिनको आप चाहेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आ जाएं। कौन से हैं वो तीन नाम आप बताएं, सुबाई, वफाकी, कहीं से भी। कायरा साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ग्रेट, नून लीग। और तीसरा नाम? तीसरा राणा मुबशर। राणा मुबशर साहब, ठीक है। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नज़ीर चौहान, मुराद रॉस और मियां महमूद रशीद साहब। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? मियां महमूद रशीद साहब बड़े हैं। बिल्कुल बड़े हैं, उनके साथ होगी सेल्फी। स्माइल किसको दे रहे हैं? नज़ीर चौहान साहब, सुबह का भूला रात को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। कि आपने नज़ीर चौहान साहब को स्माइल दे दी। और फ्लोर किसका आ गया है? मुराद रॉस। वो भी भाई हैं हमारे, मगर उनका फ्लोर आ गया है। कोई बात, ठीक है, भाई हैं आप लेकिन फ्लोर सर फिलहाल आपका आ गया है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। लगानी जरूरी है? मैंने इसलिए कहा मजबूरी के तहत, वरना जनरल नॉलेज में जा सकते हैं आप। चले जरदारी, ठीक, जरदारी साहब ठीक है। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। टाइटैनिक देखी तो ही ना आपने, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरियाल खान और जनाब उस्मान बुज़दार। ज़ाहिर हमें उस्मान बुज़दार को साथ लेके जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होना। इकट्ठे जाएंगे, कुछ सियासी गुफ्तगू करें, इनको सियासत की सूझबूझ नहीं है, तो फिर हम आपस में बातें करते हैं। उन्होंने तुसी लाए निगरान वजीर आला, इन्होंने बना देना फिर। नहीं, मगर वो ले गए हैं उस्मान बुज़दार साहब को, जो भी हो। ठीक है सर। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मियां असलम इकबाल, हाशिम जवां बख्त और फियाजुल हसन चौहान। एक को दे रही है, एक को जैकेट ही एक है। फियाजुल हसन चौहान। ओए होए, फियाजुल हसन चौहान साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट आप जी। फरियाली, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और शेख रशीद अहमद। शेख रशीद ठीक है, आमिर लियाकत नहीं। शेख रशीद ठीक है। लिफ्ट में आप भी एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक का फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किन को दे रही है? हमजा अब्बासी को। हमजा अब्बासी को। और किसका फ्लोर आ गया?
फहद मुस्तफ़ा ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पर किसी और को लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और बिलाल अब्बास। दोनों को नहीं लेके जा सकती, डबल सवारी तो पाबंदी है ना। सॉरी, आजकल हमारी 2-in-1 ऑफर बंद हुई हुई है। हुमायूं सईद ऑब्वियसली, हुमायूं सईद होंगे, बिलाल अब्बास आप रह गए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे चली गई है। डूबती कश्ती में सवार दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, किसको दे रही हैं वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम अब्बास बारा और जनाब उस्मान बुज़दार। इनको दूंगी। ओए होए बारा साहब, ये आपने क्या किया? साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर तशरीफ लाने का, थैंक यू सो मच, आपका फरियाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खबर की दुनिया,